हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं आशीष और SS2 यानी कि सुपरस्टार सिंगर 2 में आपको पवन और दानिश दिखाई देते हैं। इनकी कंपटीशन भी होती है, लेकिन कंपटीशन जो होती है वो डायरेक्टली इनकी नहीं होती है, इनके स्टूडेंट्स की होती है, इनकी जो टीम मेंबर है उनकी होती है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको पवनदीप और दानिश की इसी तरह से हेल्दी कॉम्पिटिशन फिर दिखाई देने वाली है और इस बार दिखाई देने वाली है इंडियन आइडल 13 में, तो सर्टेनली आपको चौंकने को तो हो जाएगा, यू विल बी शॉक्ड टू नो। सो मैंने कहा भाई अब शॉकिंग बात है और सोर्सेस के जरिए खबर आ रही है, तो क्यों ना आपसे खबर शेयर कर ली जाए। जिस दिन कंफर्म हो जाएगी उस दिन तो मैं सर्टेनली आपको और पूरी डिटेल्स दे ही देने वाली हूँ, लेकिन अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से बताती हूँ। फ्रेंड्स, इंडियन आइडल 13 बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। SS2 एंड सुपरस्टार सिंगर 2 जैसे ही फिनिश होगा अगस्त एंड तक का, उसके बाद फिर नेक्स्ट इसमें जो शुरू किया जाएगा, दैट वाज इंडियन आइडल। अभी तक की खबरों की बात ये सामने आ रही है। ओके, अब ऐसे में जो पवनदीप की बहन है ज्योतिदीप, सर्टनली वेरी क्यूट फेस, वेरी इनोसेंट, वेरी नटखट, मैं उनसे बातें भी करती रही हूँ और इंटरव्यू भी करती रही हूँ, तो वो नटखटपना दिखाई देता है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देंगी ऐसा मुझे तो लगता है। तो वो तो ऑडिशन देने के लिए इंडियन आइडल के नियरेस्ट प्लेस पर पहुंचने वाली ही है और वो अपना ऑडिशन देने वाली ही है, तो मैं तो फिंगर्स क्रॉस करके बैठी हूँ कि इतने समय से जो हम सुनते आ रहे हैं कि ज्योतिदीप विल ऑल्सो बी ट्राइंग, तो वो ट्राई कर रही है, तो उनके लिए क्रॉसिंग फिंगर्स एंड आप भी दुआएं कीजिए सब मिल करके, वो इंडियन आइडल में अपना सफर बहुत लंबे लंबी पारी खेले। अब दूसरी इंफॉर्मेशन देती हूँ दानिश की तरफ से। दानिश का भी एक जिक्र बड़ा वाला हो सकता है इंडियन आइडल 13 में आपको हो देखने को मिले। दानिश के भाई ताबिश, आपको याद है दोनों भाई बहुत गुड लुकिंग है, ओके और तो इतना बोल सकती हूँ कि जो ताबिश है अच्छे सिंगर है। उन्होंने दानिश के साथ मिलकर एक एपिसोड में गाया भी था, तो ताबिश भी आने वाले दिनों में इंडियन आइडल की 13 की ऑडिशन राउंड में जाने वाले हैं। वो अपना ऑडिशन देने वाले हैं, अपने कंफर्टेबल जगह से वो जाकर परफॉर्मेंस देने वाले हैं, और मैं उनके लिए भी दुआएं और प्रार्थनाएं करती हूँ कि अच्छे सिंगर हैं तो डेफिनेटली उनको भी मौका दिया जाना चाहिए और वो भी आ जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। और मुझे तो ये लगता है कि पवन की बहन और दानिश का भाई आपस में ऐसे हेल्दी कॉम्पिटिशन बिशन भी करे, सिरों की संग्राम में शामिल भी हो, लेकिन टॉप 10 में आके हो तो बड़ा मजा आएगा मुझको। मेरी दिल तमन्ना तो यही है। अब ये भी सुनने में आया है कि जैसे इंडियन आइडल में 12 में दानिश के मामा जी वसी खैरी जी, बड़े क्यूट से और इमोशनल से शख्स मुझे लगते हैं, उनके बारे में भी एक अपडेट मेरे पास आया है सोर्सेस के जरिए कि हो सकता है कि इंडियन आइडल 13 में ताबिश के साथ दानिश के मामा जी ताबिश के मामा जी बनकर सामने आए लोगों के। सो वाह भाई क्या बात है। अच्छा, मीनवाइल जो वसी खैरी जी हैं वो आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है और अब वो आम आदमी पार्टी यानी आपके जरिए आसपास के लोगों की सेवा करने में जुटने वाले हैं। तो ये दोनों तीनों इन्फॉर्मेशन मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगी, मैंने कभी आपको बताना पड़ेगा इंडियन आइडल 13 के बारे में और ये इन्फॉर्मेशन देना बनता है, कितना मजा आएगा। जस्ट इमेजिन, पवन और दानिश भले यहाँ पर कैप्टन्स के तौर पर डायरेक्टली एक दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं, हेल्दी कॉम्पिटिशन चल रही होगी आपस में सिंगर्स की, अब भाई बहन के लिए भी आपस में इन लोगों को साथ में आना पड़ेगा। बट अ क्यूट कॉम्बिनेशन सर जी, वो इमेजिन करके देखिए कि पवन अपनी बहन के साथ खड़ा है और ताबिश अपने और दानिश अपने भाई के साथ खड़ा हुआ है और दोनों का सुनो का संग्राम चल रहा है बहन और भाई के रूप में। दैट विल बी अ क्यूट थिंग टू वॉच, लेट्स सी। आशा करते हैं कि ये अच्छा परफॉर्मेंस दे और बहुत आगे तक जाए और इसी तरह कॉम्पिटिशन के जरिए एक बार फिर से पवन और दानिश को हम लोगों को इंडियन आइडल जैसे सेट पर देखने का मौका मिले। अब इस पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपका क्या कहना है जरा लिख कर बताइए। जय हिंद।